स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाउंड्री वॉल में जब आपको बाउंड्री वॉल करना है तो कॉलम का हाइट कितना रखें या कितने डिस्टेंस कॉलम को होना चाहिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें मेजर मिस्टेक किया गया, बहुत बड़ा गलती किया गया है, तो ताकि आपके साथ ऐसा गलती ना हो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और सिविल साइट नॉलेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए मैं पास से जा रहा था तो देखा कि यहाँ मिस्टेक किया गया है, रेलवे की ये बाउंड्री वॉल है। ओके आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जो मिस्टेक है मेजर मिस्टेक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीडियो आप लास्ट तक देखिए। पहले मैं कॉलम की बात कर लेता हूँ कि कॉलम में जो मेजर मिस्टेक है आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम कास्टिंग हो गया है, इधर इधर तो नहीं दिखेगा लेकिन जिधर नहीं हुआ इधर देखिए, देखिए ये कॉलम कास्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन इसमें स्टील ही नहीं है, सरिया ही नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए सरिया यहाँ कितना छोटा है, जबकि ये गलत है। अगर छोटा भी हो गया तो आपको लैपिंग देना है, तो कितना होना चाहिए एज पर कोड, IS कोड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए ये भी आपको। यहाँ पे देखिए एक ही सरिया प्रोवाइड है और तीन सरिया इसके अंदर कॉलम के अंदर है, जबकि ये बहुत बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ भी कंट्रैक्टर ऐसा करता है स्क्रैप यूज करने के चक्कर में, तो आप नहीं होने दें, आप स्क्रैप को यूज नहीं होने दें और पूरे फुल लेंथ करिए। यहाँ पे देखिए लैपिंग, यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये लैपिंग जो किया गया है, देखिए सरिया जोड़ा गया है, ये गलत तरीका है जोड़ने का, सही तरीका क्या है वीडियो लास्ट तक आप देखें। ओके, अब साथ साथ में ये देखिए कंक्रीट, कंक्रीट जो प्रोवाइड किया गया, आप देख रहे हैं यहाँ सैंड दिख रहा है, देख रहे हैं सैंड सैंड दिख रहा है, तो M20 ग्रेड होना चाहिए। कंक्रीट का डिजाइन यहाँ मिक्स प्रॉपर नहीं है, सीमेंट कम डाला गया है, और यहाँ पे देखिए ब्रिक का ज्वाइंट जो है ना, आप देख रहे हैं ना, एक ब्रिक के दूसरे ब्रिक का जो लेयर है उसका गैपिंग देख लीजिए कितना ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 mm होना चाहिए लेयर, यानी हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, ब्रिक का ज्वाइंट के बाद 10 mm होना चाहिए, यानी कि आपका आधा इंच के बराबर होना चाहिए, एक उंगली बराबर फैसला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर जगह मैं आपको फोकस करूँगा जहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है, और मैं आपको ये भी दिखाने के चक्कर में कि यहाँ जो कि मोटार सही तरीका से ब्रिक वर्क नहीं किया गया है दोनों ब्रिक के, देखिए यहाँ लेयर पे देखिए, ये देख लीजिए यहाँ तो मोटार ही नहीं पहुँचा है। ये कंट्रेक्टर मेसन क्या करते हैं, मोटार सीमेंट बचाने के चक्कर में जल्दीबाजी में जुड़ाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्रैक आ जाएगा, मजबूती ही नहीं रहेगा आपको, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ कि रेलवे के प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इतना मेजर मिस्टेक है। यहाँ देखिए चेकिंग होता है, यहाँ इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, सब है, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक है। इसका रीजन आप तो जानते होंगे क्यों मिस्टेक किया गया है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए। और तो और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको आर पार दिखेगा, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ इस होल में देखिए, यहाँ पे दोनों ज्वाइंट के बाद यहाँ तो मोटार ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ मजबूती कैसे आएगा। ओके, तो अगर आप भी ब्रिक वर्क कहीं करा रहे हैं तो ये सब पे ध्यान दीजिए, मेसन पे ध्यान दीजिए, ताकि ये मेजर मिस्टेक होने से आप बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम, कॉलम के यहाँ भी देखिए, यहाँ तो फुट सरिया है लेकिन यहाँ पे देखिए वहीं है, छोटा है, तो कितना बड़ा छोटा होना चाहिए इस पर मैं आपको बताऊँगा। साथ में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है। देखिए दो जब देख कंटिन्यूअस अगर ब्रिक वर्क आपका स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट देता है, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, देखिए इसमें भी एक्सपेंशन ज्वाइंट में देखिए नीचे में कम है ऊपर में ज़्यादा है, यानी कॉलम क्या है आपका टिल्ट हो गया है, एक तरफ झुक गया है, एक्चुअली 50 mm, देखिए टॉप ऊपर में सही है, यानी कि 2 इंच के बीच, दोनों कॉलम के बीच में 2 इंच गैप होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। टेम्परेचर के कारण क्या होता है, बढ़ता है और घटता है, क्रैक ना आए उसकी इस रीजन से प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेंशन ज्वाइंट। आप देख रहे हैं ऊपर में देखिए, देखिए देखिए तो ऊपर में देखिए ज़्यादा है, और नीचे जैसे ही हम फोकस करेंगे ओके तो देखिए कम होते आ रहा है, लेकिन ये आपका नीचे से टॉप से बॉटम देखिए नीचे तो, और आपका एक 10 mm भी नहीं है, आ देखिए ये किस कैसा है, तो आपको यह क्या करना है 50 mm मेंटेन करना है, यानी 2 इंच मेंटेन करना है, और एवरी आपका 70 फीट 30 मीटर के आसपास आप कर सकते हैं, यानी 50 से 70 फीट के बीच में आपको एक्सपेंशन ज्वाइन। मान लीजिए कि बाउंड्री वॉल का क्या है, बाउंड्री वॉल का 10 फीट हाइट है, तो आपको कटिंग लेंथ, आपको टोटल फुल लेंथ कटिंग करना है, ये
आप इसको स्टेट कर सकते हैं, यानी कॉलम को खड़ा कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं, कॉलम कास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको 10 फीट यानी टॉप में कवर माइनस करके और बॉटम में कवर माइनस करके एज पर ड्राइंग इसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपको लैपिंग देना है, तो लैपिंग देना है तो क्या करना है कि आप चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल में जो आपके पास कट पीस जो स्क्रैप स्टील है उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, स्क्रैप जो स्टील है उसको भी यूज करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर लैपिंग होना चाहिए 50D, यानी कि 50D लैपिंग होना चाहिए। डी के मतलब डाया ऑफ ए बार। मान लीजिए जाए कि 10 mm का स्टील आप यूज करेंगे, कितने का 10 mm का स्टील यूज कर रहे हैं, तो इंटू 50 कर दीजिए, यानी कि 500 mm जो होगा आपको लैपिंग देना ही देना है। जैसा कि आपने देखा कि लैपिंग के लिए जगह पे 200-300 यानी कुछ कहीं है ही नहीं है, गलत है, तो वैसे करने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि आप कॉलम का ये आप देख रहे हैं और यहाँ लैपिंग दे रहे हैं 200 मात्र, इतना 200 mm, देखिए क्या होगा, ये फेल्योर हो सकता है। ओके, ये फेल्योर होगा, यहाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और ये इसका लाइफ जो होगा बहुत कम होगा। ओके, तो 50 डे देना है, अल्टरनेट देना है लैपिंग। देखिए कि यहाँ लैपिंग प्रोवाइड करना है तो ये 50 डी होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए 50 डी होना चाहिए, जिसे 10 mm का है तो 500 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए स्टेट है, अक्सर लोग जैसा कि मैंने दिखाया कि स्टेट कर दे, ये भी गलत है, इस तरह की लैपिंग नहीं होना। जॉगल बार प्रोवाइड करना है, ये हल्का सा बैंड करना होता है ताकि इसका जो लोड है ये इस पे ट्रांसफर हो सके और ये जो स्टील इसमें जो रिंग जो हम क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे इसका अलाइनमेंट चेंज ना हो। और इसमें क्या हो जाता है, अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और स्लिपेज हो सकता है या फेल्यूर होने के चांसेज होता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये जॉगल बार प्रोवाइड करना है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जब कभी भी लैपिंग देना हो तो इस तरह अल्टरनेट होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए एक कॉलम में 6 नंबर है, ओके, तो 3 नंबर एक जगह लैप होगा, मानी कि यहाँ पे अगर 6 है तो 3 नंबर यहाँ पे लैप होगा और 3 नंबर इस लोकेशन पे लैप होगा। और ये लैपिंग जो लेंथ होगा इस पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं, ये 50D होना चाहिए एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने देखा कि उसमें कहीं स्टील है ही नहीं है, लैपिंग करके कहीं से एक्सटेंड करेंगे तो गलत वे है। ओके,